हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर सिन एथिकल हैकिंग में। आज हम जानने वाले हैं HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, किस तरह से काम करता है, HTTP हेडर्स क्या होते हैं, HTTP एरर कोड्स क्या होते हैं। जी हाँ बिल्कुल फ्रेंड्स, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम इंटरनेट की साइट चलाते हैं उस पर लिखा हुआ आता है और एरर कोड 404 और जो वो पेज है वो ओपन नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं और किस वजह से ये चीज़ें काम करती हैं, इन चीज़ों का, इन एरर कोड्स का मतलब क्या होता है, एक और नई चीज़ हम इसमें जानेंगे। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी हैकर ने किसी ऑनलाइन परचेजिंग या सेलिंग वेबसाइट्स जो है उसके जो प्राइस हैं उन्हें चेंज कर दिया है। बिल्कुल फ्रेंड्स, कई बार ऐसी न्यूज़ भी आई हैं कि किसी भी हैकर ने किसी वेबसाइट पे जाके 10,000 रुपये की जो चीज़ थी उसे 10 रुपये में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या ये पॉसिबल है और अगर ऐसा होता है तो क्यों हो पाता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं, तो और वो भी थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। तो फ्रेंड्स, होप सो ये वीडियो आपको पसंद आएगा एंड बेसिकली हम शुरू से जानेंगे। सबसे पहले हम उस सिस्टम को जानेंगे कि वो किस क्या होता है, किस तरह से काम करता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एक एक्सपर्ट हैकर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उनके बेसिक्स का पता होना चाहिए और किसी भी चीज़ के डिज़ाइन का पता होना चाहिए कि कोई भी जो चीज़ है वो काम किस तरह से करती है, क्योंकि तभी आप उसकी बारीकी को समझ पाएंगे और उस पर पेंट्रेशन टेस्टिंग है या फोरेंसिक है, जो भी आप काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को तभी बचा पाएंगे जब हमें उसके डिज़ाइनिंग के बारे में पता होगा कि वो काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को अगर हम एक्सप्लेन करें डीपली तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंटरनेट पे जो भी चीज़ें या जो भी वेबसाइट आप चला पाते हैं, जो भी चीज़ें आप देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट, इसी की वजह से वो होता है। हाइपर का मतलब होता है एक्टिव, टेक्स्ट मतलब जो भी टेक्स्ट है, ट्रांसफ़र मतलब उसे ट्रांसफ़र करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और प्रोटोकॉल क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल है। तो फ्रेंड्स, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का काम होता है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, लाना, ले जाना। तो अब हम इसके बाद जानते हैं इसकी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स है जिसका काम है चीज़ों को लाना और ले जाना। एंड इसको जो डिस्कवर किया गया, इसकी जो मेन फाउंडेशन है वो वर्ल्ड वाइड वेब ही है, WWW, यानी कि W3 भी हम इसे कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका काम क्या होता है, एक्सचेंज ट्रांसफ़र करना। इसे डेवलप किया था टिम बर्नर ली ने। मैं आपको बता देता हूँ, HTML के भी जो डेवलपर हैं वो टिम बर्नर ली हैं और WWW के भी डेवलपर्स जो हैं वो टिम बर्नर ली हैं। तो डेवलपमेंट जो HTTP की है वो जाती, उसका जो श्रेय है वो जाता है टिम बर्नर ली को, जिन्होंने 1989 में इसे डेवलप किया। HTTP का पहला जो वर्जन था 1.1 एंड अभी जो लेटर वर्जन जो अभी 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ है वो है HTTP 2। तो फ्रेंड्स, ये था HTTP के बारे में। अब हम जानते हैं इसकी कुछ मेन चीज़ों के बारे में। अच्छा, अगर आपने कई बार वेबसाइट्स देखी हो तो कंप्लीट जो वेबसाइट नेम होता है वो लिखा होता है http://www.google.com या xyz कोई भी वेबसाइट का नाम होता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं ये काम कैसे करता है। फ्रेंड्स, HTTP इसकी जो तीन मेन चीज़ें हैं जिनके बेस पर ये काम करता है। नंबर वन है HTTP परसिस्टेंट कनेक्शन, इसे हम HTTP कीप अलाइव और HTTP कनेक्शन रीयूज भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो काम होता है ये बताता है कि जो HTTP की कनेक्शन है वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो ये आपको, अगर वो कीप अलाइव है यानी कि अगर वो चल रहा है तो आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, और अगर वो नहीं चल रहा है तो आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो HTTP परसिस्टेंट कनेक्शन का काम होता है ये चीज़ें बताना, रिक्वेस्ट भेजकर कि वो कीप अलाइव है, रनिंग है या नहीं है। नंबर टू है HTTP कंप्रेशन। फ्रेंड्स, HTTP कंप्रेशन जो है ये एक वेब सर्वर में बिल्ट इन कैपेबिलिटी है। इसकी बिल्ट इन कैपेबिलिटी का मतलब है कि जो भी डेटा आप सर्वर के थ्रू गेन करते हैं, यानी कि जब भी आप किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं, कोई भी चीज़ सर्फिंग करते हैं, किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, तो जो डेटा आप तक पहुंचता है वो फुल्ली नहीं होता, वो कंप्रेस्ड होकर आप तक पहुंचता है। क्योंकि अगर वो डेटा कंप्रेस नहीं होगा तो डेटा की जो ट्रांसफ़र स्पीड है वो बहुत स्लो होगी और उतना फास्ट वे में आप डेटा को गेन नहीं कर पाएंगे। तो सेकेंड आप समझ गए होंगे, पहला उसके लाइव लाइव को चेक करता है, दूसरा है कंप्रेशन, और तीसरा है HTTPS। तो फ्रेंड्स, कई जो वेबसाइट्स के नेम हैं आपने देखे होंगे, गूगल आप जब भी चलाते हैं उस पर क्लियर लिखा होता है HTTPS। S हमेशा शो करता है कि वो डेटा सिक्योर है या नहीं है।
HTTPS मतलब सिक्योर वेबसाइट्स को शो करता है। तो जो भी डेटा सेंड या रिसीव होगा वो एकदम सिक्योर तरीके से होगा। उस तरह की वेबसाइट को हैक करना हैकर्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और एक तरह से बहुत सारी छोटी मोटी जो हैकिंग अटैक्स होते हैं उनसे वो वेबसाइट्स बच जाती हैं। तो फ्रेंड्स, HTTP और HTTPS का अंतर आप समझ गए होंगे। तो ये थी HTTP की तीन मेन चीज़ें। अब हम बात करते हैं HTTP रिक्वेस्ट के बारे में। फ्रेंड्स, HTTP रिक्वेस्ट यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट अलग अलग होती हैं, जैसे कि गेट है, पोस्ट है, पुट, डिलीट, ट्रेस, ऑप्शन, कनेक्ट एंड पैच। फ्रेंड्स, ये चीज़ें क्या होती हैं, यानी कि HTTP हेडर के जरिए जो भी डेटा आपको मिलना है वो किस तरह से मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, कई बार जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप एंटर दबाते हैं सबमिट पे, और सबमिट करने के बाद वो जो फॉर्म है वो सर्वर तक पहुंच जाता है। तो फ्रेंड, उस टाइम जो मेथड यूज़ होता है HTTP का वो होता है पोस्ट। बहुत सारे हैकर्स फिशिंग वगैरह जैसी एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए ये जो मेथड्स हैं गेट और पोस्ट, इनमें बदलाव भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, पोस्ट मेथड के जरिए वो जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच जाती है सर्वर तक। तो हैकर्स क्या करते हैं, इस पोस्ट मेथड को चेंज करके गेट कर देते हैं, और गेट करने से वो इन्फॉर्मेशन सर्वर तक ना पहुंचकर हैकर्स के पास चली जाती है। मैन इन द मिडिल अटैक के अंदर भी ऐसी प्रोसेस होती हैं, फिशिंग के अंदर भी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हैकर्स। तो ये सब HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स हैं जिनकी मदद से आप इसे पूरा अगर समझना चाहें, HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स यानी कि HTTP के रिक्वेस्ट करने के तरीके जिनके जरिए एक सर्वर इस बात को समझता है कि क्या सामने वाला जो क्लाइंट है वो क्या चाहता है। यानी कि अगर मेथड है पोस्ट तो दैट मीन्स सर्वर उस डेटा को गेन करेगा, अपने अंदर आने देगा, एक्सेप्ट कर लेगा उसे। और मेथड है गेट तो दैट मीन्स HTTP का मेथड गेट ये कहता है कि उसे वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ पे वो भेजा गया है। तो गेट के जरिए क्या होता है, वो प्राप्त करना हो गया। पोस्ट मतलब वो सर्वर तक जा रहा है। एंड ऐसे ही पुट का मतलब होता है फ्रेंड्स डेटा को पुट करना, और डिलीट का मतलब होता है किसी भी स्पेसिफिक रिसोर्स को डिलीट करना, एंड ट्रेस मतलब किसी भी डेटा पैकेट्स के बारे में जानकारी लेना होता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेथड्स हैं HTTP के। अब तक हम दो चीज़ों को समझ पाए, HTTP के जो तीन चीज़ें काम करती हैं वो, और HTTP की रिक्वेस्ट करने के तरीके क्या हैं। फ्रेंड्स, एक और खास चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, HTTP मेथड्स के अंदर बदलाव करके ही जो हैकर्स हैं किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है उसमें बदलाव कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसी बहुत बार आपने न्यूज़ सुनी होंगी कि 10,000 रुपये की चीज़ 10 रुपये में मिल गई, तो उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो यही था कि जो HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स थे उसमें हैकर्स बदलाव करके इस तरह के कामों को कर देते हैं। जिन वेबसाइट्स के अंदर ये वल्नरेबिलिटी है वहाँ इस तरह के काम को अंजाम देना उनके लिए बहुत आसान होता है। अब फ्रेंड्स, HTTP हेडर फील्ड्स के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। HTTP हेडर्स हमेशा टॉप पर प्रेजेंट होता है और हेडर्स के जरिए ही बाकी आगे का काम इसमें हो पाता है। तो फ्रेंड्स, HTTP जो हेडर होता है इसमें कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं, जैसे कि HTTP कुकीज़। कुकीज़ के बारे में मैंने पूरा चैप्टर बनाया हुआ है एथिकल हैकिंग वाली सीरीज़ में, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो HTTP कुकीज़ क्या है, इसे हम वेब कुकीज़ के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेट कुकीज़ के नाम से भी जानते हैं, ब्राउज़र कुकीज़ के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसे स्मॉल पीसीज होते हैं डेटा के जिनमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, और कई बार सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी HTTP कुकीज़ के अंदर स्टोर्ड होती है, लाइक यूज़र नेम, पासवर्ड और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद सेकेंड है फ्रेंड्स, HTTP हेडर में आता है ई टैग, जिसे हम ओपेक आइडेंटिफायर के भी कह सकते हैं, जो कि वेब सर्वर के द्वारा असाइन कराया जाता है। एंड नेक्स्ट आता है डू नॉट ट्रैक। डू नॉट ट्रैक एक HTTP हेडर फील्ड ही है जिसका काम होता है वेब एप्लीकेशन को डिसेबल करना, यानी कि जिसके ज़रिए कोई उसे ट्रैक ना कर पाए। तो ये इसीलिए इसे बोला जाता है DNT या डू नॉट ट्रैक। इसके अलावा है एक्स फॉरवर्डेड फोर, या फिर हम इसे XFF के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक तरह का HTTP का हेडर फील्ड ही है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं HTTP एरर कोड्स की। तो HTTP एरर कोड्स वो होते हैं जब हम किसी भी वेबसाइट को चलाते हैं और हमें रेस्पॉन्स मिलता है एरर कोड 404 एंड दैट स्पेसिफिक वेबसाइट नॉट फाउंड या सर्वर नॉट फाउंड, इस तरह के जो एरर्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।
रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स के जरिए अगर हम बात करें, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 1x वाले, यानी कि 101, 102, 105 इस तरह के जो एरर कोड्स हैं वो क्यों आते हैं। तो फ्रेंड्स, वास्तव में वन जो सीरीज़ है, 1x वाली जो सीरीज़ है, इस तरह के एरर कोड्स बहुत ही कम या बहुत रेयर केसेस में आपको देखने को मिलेंगे। इनका मेन काम होता है कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करना, और कनेक्शंस इस्टेब्लिश हो जाता है तो वो चीज़ें आपको दिखा दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर केसेस में ये जो 1x वाले कोड्स हैं ये आपको दिखाई कम ही देंगे। नंबर टू हम बात करते हैं 2x रेस्पॉन्स। 2x रेस्पॉन्स जो होता है ये हमें शो करता है, अगर कभी भी नेट पे आप कोई वेबसाइट चलाएं, कोई वेब पेज चलाएं और एरर कोड आए 20204, तो उसका मतलब क्या है? दैट मीन्स ये आपको अगर 200 आता है तो इसका मतलब होता है कि जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है वो सक्सेसफुल हो चुकी है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो 200 फ्रेंड्स इसका मतलब यही है कि पेज ओपन हो जाता है और वो रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है। तो दैट मीन 200 का मतलब होता है ओके है, कंडीशन एकदम ओके है। अब हम बात करेंगे 3x रेस्पॉन्स की। 3x रेस्पॉन्स जो होता है फ्रेंड्स, ये आपको इंडिकेट करता है कि जो गलती है वो क्लाइंट के जरिए हुई है। यानी कि कई बार अगर हैकर कोई भी हैकिंग अटेम्प्ट को करने की कोशिश करते हैं तो जो एरर कोड्स आते हैं मोस्टली 3x वाले एरर कोड्स आएंगे। देन जो बात की जाए HTTP हेडर मेथड्स की, लाइक गेट एंड पोस्ट, तो इस सिचुएशन में भी 3 जो हमारे एरर कोड्स हैं 3x वाले ही आते हैं। तो ये हो गया 1, 2, 3। और अब हम बात करते हैं 4। तो फ्रेंड्स, 4 जो एरर कोड है ये जो सिचुएशंस है उस सिचुएशंस में आती है जब कोई भी क्लाइंट के यहाँ से, मतलब क्लाइंट के यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम की जाए, क्लाइंट अपनी मर्जी से कोई भी कोड देने की कोशिश कर रहा हो या फिर अपनी मर्जी से कोई भी एरर्स लाइक स्क्रिप्टिंग वगैरह रन वो करा रहा हो या फिर सर्वर का जो रेस्पॉन्स है वो प्रॉपर ना हो। तो फ्रेंड्स, HTTP हेड रिक्वेस्ट जो सर्वर के रेस्पॉन्स अगर क्लियर नहीं है तो उस सिचुएशन में 4x वाली जो एरर्स हैं वो हमें मिलती हैं। रेस्पॉन्स 5 की अगर हम बात करें तो ये हमेशा 5 से होता है, और ये क्या करता है, इन विच द सर्वर इज़ अवेयर दैट इट हैज़ एनकाउंटर्ड एन एरर। तो ये हमें तब दिखाई देगा जब सर्वर की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स हो। तो एक तो क्लाइंट की तरफ से जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो 3 वाले एरर कोड्स आते हैं, और क्लाइंट जब अपनी मर्जी से कुछ भी इंजेक्ट करना या इरेस्पॉन्सिबल वर्क करने का काम करता है तो 4 वाले एरर कोड्स आते हैं, और जब सर्वर की तरफ से प्रॉब्लम्स होती हैं तो उस सिचुएशन में हमें 5x वाले एरर्स दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे HTTP के अलग अलग एरर कोड्स जिनके बारे में हमने जाना।